नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला महाराजपुर थाने के अंतर्गत तिलसहरी खुर्द गांव का है, जहां पर रामबाबू निषाद की जमीन बीजेपी नेता राधाकांत और भैया जी, जो कि रामबाबू निषाद नामक गरीब व्यक्ति की जमीन को पिस्टल की नोक के दम पर कब्जा कर लिया। वहीं सामने बने मंदिर पर भी कब्जा किया गया। दबंगई के बल पर और मंदिर के ठीक सामने जनाजा घाट तालाब को भी दबंग भूमाफिया राधाकांत और भैया जी ने कब्जा कर लिया। ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। प्रधान पप्पू कुशवाहा भी भूमाफिया के साथ मिल गए और जमीन कब्जा करने में खूब साथ दिया। ग्रामीणों में रामबाबू निषाद एवं पुजारी, जो कि नेत्रहीन कई दिनों से मंदिर की पूजा करते थे, भूमाफियाओं की वजह से वह आज मंदिर बंद पड़ा है। पुजारी के भाई अजय ने मीडिया को काफी बातें भी बताई। गांव के ही रहने वाले चंद किशोर उर्फ चौवा को भी बिना लिखा पढ़ी के भूमाफिया ने जमीन दे दिया। बोला, पैसा दे दो और जाओ कब्जा करो, मेरे आगे नतमस्तक है प्रशासन और इस गांव के लोग, जाओ तुम कब्जा करो। वहीं गांव के राम अवतार सहित तमाम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया और जमीन कब्जा कर लिया गया। वहीं थाना अध्यक्ष महाराजपुर राघवेंद्र सिंह मौन बने रहे। मामला सीओ साहब के संज्ञान में आया। उन्होंने महाराजपुर थाना के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह को जांच कराने को बोला, लेकिन वहीं टाल मटोल करके और सेटिंग वेटिंग का खेल कर मामले को दबा दिया गया। सीओ सदर की आंखों में धूल झोंक रहे, किसी प्रकार की संतोषजनक कोई बात नहीं बताई गई। उन्हें और माफिया बीजेपी नेता भैया जी और थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने मिलकर जमीन को, तालाबों को और मंदिरों एवं सरकारी चीजों को अवैध रूप से खरीदा, बेचा और खूब जम के कब्जा किया। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, क्या मामला यहाँ मंदिर और जमीन को लेके? ये कौन सा गाँव है और क्या मामला? तिलसहरी है। किस थाना के अंतर्गत है? अच्छा, क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? मामला सर ये चल रहा है कि ये सरासर बेईमानी कर रहा है। कौन? ये राधाकांत। नाम बताओ। अच्छा, क्या नाम है? राधाकांत गुप्ता। राधाकांत गुप्ता क्या कर रहा है वो? ये सर मंदिर है और ये सामने तालाब है जी, जी, इसके सामने की ये जो जमीन पड़ी हुई है जी, जी, ये भी ये बेचने की कोशिश पूरी फुल किया इसने। अच्छा अच्छा, मगर किसी कारण बस ये नहीं बेच पाया अभी तक। अच्छा अच्छा, तो आपने इसकी संबंधित थाने में शिकायत की थी? नहीं सर, मैंने तो नहीं की। अच्छा अच्छा, ये मेरा भाई है दिलीचंद जी, पूजा करते थे यहाँ। अच्छा अच्छा, और जमीन बेचने के चक्कर से जमीन लालच मतलब की वजह से इसने जो है मंदिर से भी निकाल दिया। अरे जमीन बेचा करते थे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? दिलीचंद तिवारी जी। बाबा जी, क्या मामला है यहाँ पे? मामला यही है कि हम पूजन करते थे इसी मंदिर में, इसी से जीवन बसर हमारी ही बोलो। हाँ, कोई हमारे पास दूसरा जरिया था नहीं, नहीं। उसी में चार बीघे जमीन जो लगी हुई है मंदिर के नाम जी जी जी, उसी से मेरा जीवन बसर होता था। अच्छा अच्छा, और मंदिर में जो खर्च साल में आता है, समरिया दिया बाती घी वगैरह का, वो चलता था। उन्होंने उसी जमीन के कारण बस जो है जी जी, वो जमीन हड़पने के लिए जी जी हमको भगा दिया और मंदिर में ताला डलवा दिया, जमीन में कब्जा कर लिया। अच्छा अच्छा, बाबा जी मंदिर कब से बंद है, कै साल हो गए? इसको बंद हुए कम से कम 1.5-2 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो क्या आप पूजा कंटिन्यू करते जब खुला रहता था इसके पहले? हाँ, रोज दोनों टाइम। अच्छा, कै बजे निकलते थे सुबह घर से? घर से हम 8 बजे आ जाते थे यहाँ। अच्छा अच्छा, एक भतीजे को लेवा करके 8 बजे यहाँ आ जाते थे जी जी जी। शाम टाइम भी हम 7-7:30 बजे शाम के भी आ जाते थे, दोनों टाइम आरती पूजन जी जी, भगवान को स्नान करवाना, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं राधा कृष्ण की, वो सब इसी के अंदर बंद हैं। अच्छा अच्छा, बाबा जी आपको दिखाई तो देता नहीं है, तो किस तरह से आप सेवा करते हैं, कैसे? आइडिया काम करते हैं। अच्छा, आइडिया के हिसाब से? हाँ, जैसे हमारी आपकी मुलाकात आज हो गई जी है, जी जी जी, तो एक बार हो जाए तो आप कहीं भी हो, कितने भीड़ में हो, हम पहचान जाएंगे। ठीक है, प्रशासन से आपने शिकायत की कभी इस चीज को लेकर? प्रशासन से आपके आपके परिवार में एक सिपाही से बात किया तो उसने कहा उसमें कुछ नहीं होगा, वो उनकी है, उनका मंदिर है जी जी जी। और नहीं, प्रशासन से आप क्या मदद मांगना चाहते हैं मंदिर को लेकर? मदद यही चाहते हैं कि ये मंदिर खुल जाए, सेवा पूजन करने का अवसर मिल जाए मुझे, और जो मंदिर के जमीन वो हड़पे हुए हैं उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। पब्लिक भी परेशान ना हो, पब्लिक से भी हमें कुछ नहीं चाहिए,
बस केवल वो मंदिर की जमीन और मंदिर सेवा करने के लिए मिल जाए बस ठीक, मेरी बसर होती रहेगी और मंदिर का भी काम चलता रहेगा। पंडित जी कोई राधा श्री कृष्ण का श्लोक सुना सकते हैं हमारे चैनल पे? हाँ, इनका तो बहुत ध्यान हो। बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ क्या मुरली व मुरली धर कन्हैया की। जहाँ पर कामना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम बाबू निषाद जी। राम बाबू जी क्या मामला हो गया आपको? मामला ये हो गया कि हमारे पिताजी की समय से जमीन है जी, जी। हमारे अंडर में उसने गुजारा बसर कर रहे थे, पैसा ना होने की जरिए से मैंने उसको नहीं बनवा पाया। आज खाली जमीन देख करके जो पहले आज के पहले जो जिम्मेदारी चलती थी उस समय के जो जिम्मेदार पहले के हैं काफ़ी पैसे वाले, हम उनके लड़ने की क्षमता नहीं है हमारे पास। आज वो ये कर रहे हैं कि ये घर जिसको जहाँ पे ग्राम समाज की जमीन होती है, जिसकी जहाँ पे जमीन होती है वो खाली देखता है, बोलता है कि हमारी जमीन है, हमारी मतलब जिम्मेदारी शासन की है, हर आदमी को बेच देता है, पैसा ले लेता है। क्या नाम है उसका? किसका जो जमीन खरीद रहा बेच राधा कांत गुप्ता, राधा कांत और मना भैया जी, भैया जी ठीक जी, जी। और ये काम उनका है जी, जी। हमारे पास भी अब ये कई दिन से पीछे पड़ा है, काफी देर भैया मेरे के मुकदमा भी 156-3 में डाला था जो कि मेरे घर में आके मेरी बंदूक लगा दी थी, फायर भी की थी। अच्छा, फिर हमने 156-3 डाला सर, जब उसमें अभी तक हमारा वो भी बेचारा दी ने मैं मेरी गवाही लगी हुई है, और उसके बाद मैंने एक दीवानी डाली जो जमीन में कब्जा कर रहा था। जब से मैंने इसके ऊपर मुकदमे लगाया तब से बराबर प्रेशर डाल रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं उसको रहने नहीं दूंगा, मार दूंगा, आपके बच्चों को मार दूंगा। और एक महेंद्र सिंह नाम के हैं जो चकेरी गांव निवासी हैं, वो वहां से उस दिन आए और अपनी गाड़ियों के साथ और कुछ और लोगों के साथ पिस्टल वगैरह लेकर के और मुझे धमकी दी कि आप यहां से चले जाइए नहीं तुरंत शूट कर दूंगा। अच्छा, मैं वहां से भग गया। तब से बराबर ये प्रक्रिया चल रही, मैं न्यायालय में जाता हूँ और जाके कचहरी में कानूनी कार्रवाई के लिए शरण लेता हूँ और उसी से मैं लड़ा चाहता हूँ। और प्रशासन से मदद हमारी यही है कि हमारे जान माल का खतरा है, मुझे जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। अच्छा, कभी भी हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। आपने कभी थाने में शिकायत की? सर थाने में शिकायत की दरोगा जी से, तो दरोगा जी हमसे मेरे मतलब वाइफ प्लस हमारा और मेरे एक लड़का है उसका नाम नोट किया और हमने कहा सर जब उनका यहीं रहते हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए, तो कहना मैं मुलाकात कर लूँगा, कोई अभी आवश्यकता नहीं है। कौन सा थाना? थाना महाराजपुर। ठीक जी, इतनी और ना किसी का उसके लिखा पड़ी, सबसे पैसा लेता है। प्रधान से आपने शिकायत की? प्रधान से किया, प्रधान कुछ नहीं बोलता है, सबसे पैसा ले लेता है और बस ऐसे जमीन दे देता है, पैसा ले लेता है जमीन दे। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का पप्पू, इस समय वर्तमान समय में वो नहीं है, अब खत्म हो गया उनको कार्यकाल। श्रवण कुमार नाम है, पप्पू श्रवण कुमार। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। आज हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिलसहरी गांव में, जी ये तिलसहरी गांव है जो कि थाना महाराजपुर के अंतर्गत आता है जी। हम दिखाएंगे यहां पे भूमाफियों का किस तरह से कहर चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार भूमाफियों पर हंटर चला रहे, वही दूसरी तरफ भूमाफिया मुख्यमंत्री के आदेशों को धता बता के लगातार जमीन को कब्जा कर रहे जी। हम दिखाएंगे किस तरह से जहाँ प्रभु राम अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए बड़े बड़े ट्रस्ट करोड़ों का दान कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ ये तिलसहरी गांव खुर्द जहां का ये मंदिर हम दिखाएंगे, हम कैमरा में इसका इधर इस मंदिर को भी दिखाएं कि यहां माफियाओं का इतना आतंक है कि मंदिर को भी बंद कर रखा है इन्होंने। वही दूसरी तरफ सामने दिखाएंगे एक तालाब को भी, हम कैमरा में इसका जरा उस तालाब को भी दिखाएं जहां पे भूमाफियाओं के आतंक से इस तालाब को भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। देखिए यहाँ किस तरह से ग्रामीण है, ग्रामीण जो कि लगातार हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं और काफी रोष है इन लोगों में, भूमाफियाओं का लगातार कहर है। और हम यहाँ के उन ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि भूमाफिया किस तरह से उनकी कनपट्टी पे बंदूक लगा के और लगातार धमका रहे हैं और भारी संख्या में लोग आते हैं, इनको इनके पीड़ित को उनकी जान का भी खतरा है। हम अपने कैमरा में कहेंगे जरा उन जमीन को भी दिखाइए, देखिए किस तरह से तालाब की जमीन है, यहाँ पर भी भूमाफियाओं का कब्जा है और ये पूरा गाँव जो कि भीड़ दिख रही है, ये पूरा गाँव भूमाफियाओं से त्रस्त है। हालांकि इस जमीन को दिखाकर सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों का बजट आया है, लेकिन बजट का न्याला व्याला हो गया है, जहां ग्रामीणों ने ही बताया कि काफी बजट आया, काफी पैसा आया बजट के नाम पे, लेकिन वो पैसा कहां गया ये आज तक इसका नहीं पता चला। मैं मुकेश कुमार, कैमरामैन मनीष गुप्ता के साथ।